शनिवार सवार उधनाम भंगार वेपारी अजाण्या शख्सों फायरिंग कर नासी गया था। जो कि मिस फायरिंग थे वेपारी आबाद बचाव थोड़ा जयरे वेपारी भाई स्थानिक बुटलेगर हो चर्चा सहित वेपारी साथ बे दिवस झगड़ो थी बात बहार आई थी। शहर में दिन प्रतिदिन असामाजिक तत्वों ने चोर लूटारू सहित टपोरीओना मारामारी तेमज हत्या जेवी गुनाहित प्रवृत्ति वधती रही है, तो बीजी तरफ पोलिस सब सलामत होवाना दावा पोकारी रही है। त्यारे शनिवार सवारे उधना रोड नंबर 9 पर सलीम नामना भंगारना वेपारी पर अजाण्या बे ईसमो फायरिंग करी नासी गयानी घटना बनवा पामी हती। जो कि वेपारी पर मिस फायरिंग थता बचाव थवा पाम्यो हतो, तो वेपारी नो भाई स्थानिक विस्तार में नामचीन बुटलेगर होवानुं जाणवा मळ्युं हतुं। तो वेपारी साथे बे दिवस कोई साथे झगड़ो थयो हतो ते अड़वात ने लई फायरिंग थवानी चर्चा उपड़ी हती। जयरे पोलिस ने जाण थता स्थानिक पोलिस सहित उच्च पोलिस अधिकारी नो काफलो घटना स्थले पहोंची गयो हतो। आजे सवारे उधना पोलिस स्टेशन विस्तार नी हद में जावीद सलीम शाह नामना जे व्यक्ति है ये पोतानी दुकान सामे उभा हता, त्यारे बे अजाण्या ईसमोए बाइक उपर आवीने एमनी उपर डरावा माटे एक फायरिंग कर्यु होवानो बनाव अमारा ध्याने आवेल छे। जे बन्ने ईसमो छे एनी हजी ओळख थई शकेल नथी, परंतु सीसीटीवी फूटेज जे छे अहींया आगळना आसपासना अने नजीकना विस्तारना एना आधारे आ बन्नेनी ओळख करवाना प्रयत्नो चालू छे। જાવીદ શાહ જે છે એ પોતે ભંગારનો બિઝનેસ કરે છે ઉધના વિસ્તારની અંદર। બે આરોપી છે એવું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અમારી જે તપાસ થઈ રહી છે એમાં જણાઈ આવેલું છે। અને અજાણ્યા ફાયરિંગ કરતા ઈસમોની તપાસ સાથે ભંગારના વેપારી સલીમની વધુ પૂછપરછ કરી આગળની વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।